भारत में आने वाली सभी नौकरियों की जानकारी और उनकी तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। इसके लिए आप गवर्नमेंट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको जानकारी मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। तो फ्रेंड्स, आज है 22 सितंबर। तो 22 सितंबर की जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @गवर्नमेंट नौकरी लिखकर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा, और वहाँ से आप इसके PDF ले सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल जब हमने 21 सितंबर के करंट अफेयर्स पढ़े थे तब लास्ट में 2 क्वेश्चन टेस्ट के लिए दिए गए थे। सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 22 सितंबर के करंट अफेयर्स, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन था, किसे मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के साथ सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम है डॉक्टर रघुपति सिंघानिया। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था ए। और दूसरा टेस्ट था कि किस देश ने विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन लॉन्च की है। तो उस देश का नाम है जर्मनी। जर्मनी ने पहली ट्रेन लॉन्च की है जो कि हाइड्रोजन से चलेगी। और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था डी। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर सभी स्टूडेंट ने सही दिए थे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 22 सितंबर के करंट अफेयर्स, और आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज भी लास्ट में 2 टेस्ट दिए जाएंगे आपको, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का सबसे पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किसे सबसे कम उम्र में मैन बुकर प्राइज के लिए नामित किया गया है। तो उनका नाम है डेजी जॉनसन। तो हाल ही में मैन बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट आई है, जिसमें सबसे कम उम्र की जो लेखिका है उनका नाम है डेजी जॉनसन। तो डेजी जॉनसन की हाल ही में एक बुक आई है जिसका नाम है एवरीथिंग अंडर, इसके लिए इन्हें मैन बुकर प्राइज के लिए नामित किया गया है। और इस शॉर्ट लिस्ट में 6 राइटर्स शामिल हैं, जिसमें से पहली तो डेजी जॉनसन ही है, और जो दूसरे राइटर हैं उनका नाम है अन्ना बर्न्स, और जो तीसरे राइटर उनका नाम है एसी ड्यूमाज, और जो चौथे राइटर है उनका नाम है रचेल कुशनर, और जो पांचवे राइटर उनका नाम है रिचर्ड पावर्स, और जो छठे राइटर है उनका नाम है रॉबिन रॉबर्टसन। तो इन 6 लेखकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और अब आपको इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बुकर प्राइज के बारे में पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, जो मैन बुकर प्राइज है ये साहित्य के क्षेत्र में देने वाला नोबेल प्राइज के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार है, और ये उन लेखकों को दिया जाता है जो कि इंग्लिश में अपनी बुक को लिखते हैं, और उनकी जो बुक है वो यूके में अगर पब्लिश होती है, यूनाइटेड किंगडम में उनकी अगर बुक पब्लिश होती है तो उन लेखकों को ये पुरस्कार दिया जाता है, मैन बुकर प्राइज। और मैन बुकर प्राइज की जो स्थापना है वो 1969 में हुई थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैन बुकर प्राइज किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये बुकर कंपनी और ब्रिटिश प्रकाशन संघ, ये दोनों मिलकर इस पुरस्कार को देते हैं। और इस साल जब 2018 में जो मैन बुकर प्राइज के विनर होंगे उसकी घोषणा 16 अक्टूबर को की जाएगी लंदन के अंदर। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला करंट अफेयर है, हर वर्ष 21 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है। तो हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, और जब इस साल 2018 में 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है तो आपको इसका विषय पता होना चाहिए। तो इसका इस साल का थीम था द राइट टू पीस, द यूनिवर्सल डेक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एट 70। देखिए, इसका विषय इस साल का यूनिवर्सल डेक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एट 70 इसलिए रखा गया है क्योंकि ह्यूमन राइट्स को डिक्लेयर हुए पूरे 70 वर्ष हो चुके हैं, इसीलिए 2018 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का ये विषय रखा गया है। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाए जाने की घोषणा है वो यूएन असेंबली के द्वारा की गई थी। और अब इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको यूएन असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में पता होनी चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसकी जो स्थापना है वो 1945 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है यूएस के अंदर। और यूएन असेंबली के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मिरोस्लेव लेजेक, और संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष है उनका नाम है हया रशेद अल खलीफ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस करंट अफेयर के बारे में। इस क्वेश्चन में आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का जो थीम है वो याद रखना है। अगला करंट अफेयर है, स्टोरी सो फार पुस्तक किस खिलाड़ी के जीवन पर लिखी गई है। तो स्टोरी सो फार ये जो बुक है ये ओलंपिक एथलीट दूति चंद के ऊपर लिखी गई है, और इस बुक के जो राइटर है उनका नाम है संदीप मिश्रा, और संदीप मिश्रा की ये बुक 2019 में पब्लिश होगी। देखिए, इससे पहले भी संदीप मिश्रा ने जो हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं धनराज पिल्ले उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी थी। और अब आपको इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें दूती चंद के बारे में मालूम होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक ओलंपिक एथलीट हैं, और इन्होंने इस साल जब 2018 में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था,
और उसमें इन्होंने दो सिल्वर मेडल जीते थे। एक सिल्वर मेडल इन्होंने 100 मीटर रेस में जीता था और दूसरा इन्होंने 200 मीटर रेस में जीता था। और 2014 में ताइपे में जो एशियन जूनियर एथलीट चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने दो गोल्ड मेडल जीते थे। एक गोल्ड मेडल इन्होंने 200 मीटर रेस में जीता था और दूसरा गोल्ड मेडल इन्होंने 4x400 रिले में जीता था। अगला करंट अफेयर है, किसे विदेश मंत्रालय में देखिए पश्चिम सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है गीतेश शर्मा। गीतेश शर्मा को विदेश मंत्रालय में पश्चिम सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि जो गीतेश शर्मा है ये 1986 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। और ये भी पता होना चाहिए कि गीतेश शर्मा से पहले विदेश मंत्रालय में पश्चिम सचिव कौन थे? तो उनका नाम था रुचि घनश्याम। इससे पहले रुचि घनश्याम थी, अब इनके इस्तीफा देने के बाद गीतेश शर्मा को विदेश मंत्रालय में पश्चिम सचिव नियुक्त किया गया है। और अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें विदेश मंत्रालय के बारे में पता होना चाहिए, या फिर कहें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के बारे में पता होना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसकी जो स्थापना है वो 1946 में हुई थी। और इस क्वेश्चन में आपको हमारी जो विदेश मंत्री है उनका नाम याद रखना है, सुषमा स्वराज। और जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनका नाम है विजय केशव गोखले, इनका नाम भी आपको याद रखना है। और तीसरा, अगर आपको पता लग गया है कि हमारे वेस्ट सेक्रेटरी हैं गीतेश शर्मा, तो हमारे ईस्ट सेक्रेटरी का नाम याद रखना है, उनका नाम है प्रीति सरन। ये हमारी विदेश मंत्रालय की ईस्ट सेक्रेटरी हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस करंट अफेयर के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला यौन उत्पीड़कों पर ऑनलाइन और केंद्रीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये केंद्रीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है और इस डेटाबेस को लॉन्च किया है जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इनका नाम आपको याद रखना है, ये हमारे गृह मंत्री हैं। देखिए इस डेटाबेस में क्या होगा कि जो अपराधी हैं उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन रखी जाएगी, उनका नाम, उनका पता, उनकी फोटो, उनको फिंगरप्रिंट, ये सब जो जानकारी है इस डेटाबेस में रखी जाएगी। और ये डेटाबेस सिर्फ कानूनी एजेंसियों के लिए उपलब्ध किया जाएगा। आपको हमारे गृह मंत्री का नाम पता लग गया है, तो साथ ही में आपको इस क्वेश्चन में हमारे केंद्रीय गृह सचिव का नाम याद रखना होगा, उनका नाम है राजीव गोभा। अगला करंट अफेयर है, कितने खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया जाएगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी खेल से रिलेटेड अवार्ड दिए जाते हैं उनके विजेताओं की लिस्ट आ गई है, जिसमें से इस क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं कि ध्यानचंद पुरस्कार 2018 में कितने खिलाड़ियों को इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो ऐसे 4 खिलाड़ी हैं जिन्हें 2018 में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और उन 4 खिलाड़ियों के नाम हैं सत्यदेव प्रसाद और भरत कुमार छेत्री और बॉबी अलोयसियस और चोगले दादू दत्तात्रेय। इन 4 खिलाड़ियों को 2018 में ध्यानचंद पुरस्कार के लिए चुना गया है। और अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में पता होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो जो ध्यानचंद पुरस्कार है ये हमारे जो हॉकी खिलाड़ी हैं ध्यानचंद, उनके जन्मदिन के मौके पर दिया जाता है और हर साल ये अवार्ड 29 अगस्त को दिया जाता था। पर जैसा कि आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया था कि इस साल ये जो अवार्ड है वो 25 सितंबर को दिए जाएंगे। और 25 सितंबर को इसलिए दिए जाएंगे क्योंकि इस साल एशियाई खेलों का आयोजन हो रहा था जिसमें जो खिलाड़ी थे वो गए हुए थे, इसलिए ये अवार्ड इस बार लेट दिया जा रहा है। और जो ध्यानचंद पुरस्कार है ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है और ये खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है ये अवार्ड। और ध्यानचंद पुरस्कार पहली बार 2002 में दिया गया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि विजेताओं की लिस्ट आई है, तो ये जो लिस्ट है ये आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वहां से आप इनके खिलाड़ियों के नाम और ये किस किस खेल से संबंधित थे और इन्हें कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं ये सब देख सकते हैं। और जो जो अवार्ड इन्हें दिए गए हैं खिलाड़ियों को उनके बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देती हूँ, जैसे कि ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये जो अवार्ड है वो उन कंपनियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल को प्रोत्साहित करने के लिए अपना योगदान दिया हो और इस साल 2018 में इसके लिए 3 कंपनियों को चुना गया है। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार देने के लिए जो सिलेक्शन कमेटी के जो हेड है उनका नाम है राहुल भटनागर। और उसके बाद देखते हैं मौलाना अब्बुल कलाम आजाद ट्रॉफी। इस साल ये जो अवार्ड है वो सिर्फ गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो कि अमृतसर के अंदर है पंजाब में, उन्हें दिया जाएगा। और मौलाना अब्बुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2018 के जो चयनित समिति के हेड हैं उनका नाम है अशोक कुमार। और इस विश्वविद्यालय को इस ट्रॉफी के साथ साथ 10 लाख रुपए की नगद राशि भी दी जाएगी। और उसके बाद देखिए अगला जो पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड।
और जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इस अवार्ड के लिए मीराबाई चानू और विराट कोहली को चुना गया है। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की जो स्थापना है वो 1991 और 92 में हुई थी। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में जो कैश प्राइज 7.5 लाख रुपए का दिया जाएगा खिलाड़ियों को। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की समिति की जो अध्यक्ष है उनका नाम है इंदरमीत कौर कोचर। उसके बाद देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ये जो कोच होते हैं खेल के उन्हें दिया जाता है। और 2018 में इसके लिए 8 कोचों को चुना गया है। इनके नाम आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी लिस्ट, वहां से आप देख लीजिएगा। और इससे रिलेटेड आपको एक करंट अफेयर पढ़ाया गया था कि द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार चयनित समिति है उसके अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो उस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था आपका मुकुल मुदगल। होप आपको ये याद होगा। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो स्थापना है वो 1985 में हुई थी। और इस अवार्ड में जो विनर्स हैं उन्हें 5 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। और अगला अवार्ड है अर्जुन अवार्ड। और इस साल 2018 में जो अर्जुन अवार्ड है वो 20 लोगों को दिया जाएगा। ये लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा, इनके नाम इम्पॉर्टेंट होंगे वो भी याद कर लीजिएगा। और जो अर्जुन अवार्ड है ये उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने 4 साल लगातार खेल में अच्छा प्रदर्शन किया हो। और अर्जुन अवार्ड की जो स्थापना है वो 1961 में हुई थी। और इस अवार्ड में विनर्स को अवार्ड के साथ साथ 5 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। और अर्जुन अवार्ड की जो चयनित समिति की अध्यक्ष है उनका नाम है इंद्रमीत कौर कोचर। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन में आपको ये जो चयनित समिति की अध्यक्ष है उनका नाम याद रखना है। अगला करंट अफेयर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितने व्यक्तियों को स्थानीय बोर्डों में सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 व्यक्तियों को स्थानीय बोर्डों में सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। और इन 4 व्यक्तियों के नाम आपको पता होना चाहिए। तो इन 4 व्यक्तियों के नाम है राकेश जैन, सचिन चतुर्वेदी और रेवती अय्यर और राघवेंद्र नारायण दुबे। ये 4 व्यक्तियों के नाम है, इन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्थानीय बोर्डों में सदस्य चुना है। देखिए इसमें से सचिन चतुर्वेदी और रेवती अय्यर को केंद्रीय बोर्ड पर निर्देशकों के रूप में नियुक्त किया गया है। और अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। सबसे इम्पोर्टेंट आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है उनका नाम याद रखना है, तो उनका नाम है उर्जित पटेल। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था ओसबोर्न स्मिथ। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी इस करंट अफेयर के बारे में। अगला करंट अफेयर है 2018 ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो 2018 में जो ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा वो भारत में आयोजित किया जाएगा। और ये टूर्नामेंट भारत के अंदर न्यू दिल्ली में जो एक स्टेडियम है इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम, वहां पर आयोजित किया जाएगा। और इस टूर्नामेंट में 12 देश शामिल होंगे। और 12 देशों में से जो 11 देश हैं वो तो एशिया के ही होंगे और जो एक देश है वो ऑस्ट्रेलिया होगा इसमें। और इन 12 देशों के लगभग 150 खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। और देखिए ये जो टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है न्यू दिल्ली में ये 21 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। और अगला करंट अफेयर है आज का, हाल ही में भारत द्वारा किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो उस मिसाइल का नाम है प्रहार। भारत ने हाल ही में 20 सितंबर को प्रहार मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि जो प्रहार मिसाइल है ये भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल है और ये एक छोटी दूरी की मिसाइल है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रहार मिसाइल है ये किसके द्वारा विकसित की गई है। तो इसका जो विकास है वो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया है, या फिर कहें DRDO के द्वारा। और इस मिसाइल का जो परीक्षण है वो उड़ीसा में किया गया है। और ये जो मिसाइल है वो हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी सक्षम है। और अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें DRDO के बारे में, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। और इसी के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट आपको रक्षा मंत्री का नाम याद रखना है, तो हमारी रक्षा मंत्री का नाम है निर्मला सीतारमण। और DRDO की जो स्थापना है वो 1958 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और DRDO के जो चेयरमैन है उनका नाम है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट करंट अफेयर है आज का, तो भारत ने किस देश के साथ MGICC यानी कि महात्मा गांधी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर की स्थापना के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उस देश का नाम है नाइजीर। भारत ने नाइजीर के साथ महात्मा गांधी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर की स्थापना के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। देख सबसे पहले आपको MOU के बारे में पता होना चाहिए।
और जैसा कि आप लोगों को बार बार बताया जा रहा है कि एक MOA होता है और एक MOU होता है। MOA की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट और MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और जब किसी दूसरे देश के साथ बात चल रही होती है किसी भी विषय पर और जब वो बात शुरुआती तौर पर होती है तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए जाते हैं और जब बात फाइनल हो जाती है तो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर साइन किए जाते हैं। और महात्मा गांधी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर की जो स्थापना है वो महात्मा गांधी जी के सम्मान के लिए इसे खोला गया है। और जब भारत और नाइजीरिया के बीच में इन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हो रहे थे तब भारत की तरफ से जो हमारी विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज और जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के सेक्रेटरी हैं TS त्रिमूर्ति और नाइजीरिया की तरफ से जो उनके राजदूत हैं अली इलियासू और जो नाइजीर के राष्ट्रपति हैं उनके जो सलाहकार हैं जिनका नाम है मोक्तर मोहम्मद की वो शामिल थे। और अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें नाइजीर के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर है नाइजीर और नाइजीर की कैपिटल है नियामी और नाइजीर की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक और नाइजीर के प्रेसिडेंट का नाम है मोहम्मदो इसोफो और नाइजीर के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है बिरिगी राफिन्यू। अगला करंट अफेयर है नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को 525 मिलियन US डॉलर का ऋण देने को मंजूरी दे दी है तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने मध्य प्रदेश राज्य की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 525 मिलियन US डॉलर का ऋण देने को मंजूरी दी है। देखिए इसमें से जो 350 मिलियन US डॉलर होंगे वो मध्य प्रदेश राज्य में सड़क परिवहन के अंडर खर्च किए जाएंगे और जो बाकी 175 मिलियन US डॉलर है वो मध्य प्रदेश के अंदर फ्लाईओवर बनाने के लिए यूज किए जाएंगे। और अब आपको पता होना चाहिए कि जो NDB यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक है ये ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित किया गया था और ब्रिक्स की फुल फॉर्म होती है B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। और अब नेशनल डेवलपमेंट बैंक इसकी जो स्थापना है वो 2014 में हुई थी ब्रिक्स देशों के द्वारा और नेशनल डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में है और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है KV कामंत। और अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें मध्य प्रदेश के बारे में। देखिए यहाँ पर जो मार्क्ड एरिया है यहाँ पर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आनंदी बेन पटेल। और मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा की सीटें हैं 29, राज्यसभा की सीटें हैं 11 और विधानसभा की सीटें हैं 230। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी मध्य प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका किसे समिता पाटिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो उनका नाम है अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा को हाल ही में समिता पाटिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और अनुष्का शर्मा को मुंबई में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिये मुंबई में जो प्रिय दर्शनी अकादमी वैश्विक पुरस्कार सम्मेलन है उसकी 34वीं सालगिरह थी उसके मौके पर इन्हें यह सम्मान दिया गया है और अनुष्का शर्मा को यह अवार्ड एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री या फिर कहें एक्ट्रेस के लिए दिया गया है। और अनुष्का शर्मा को समिता पाटिल पुरस्कार से जो हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं जिनका नाम है नितिन गडकरी उन्होंने दिया है। तो इतनी पॉइंट बातें आपको इस करंट अफेयर के बारे में पता होना चाहिए और ये थे हमारे 22 सितंबर के करंट अफेयर्स। और लास्ट में दो टेस्ट होंगे तो सबसे पहला टेस्ट है आपका SS मलिका अर्जुन राव को किस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जैसे कि आप लोगों को कल करंट अफेयर पढ़ाया गया था जिसमें आपको बताया गया था कि 10 जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके CEO और MD नियुक्त किए गए हैं तो उसमें से ही ये नाम था और आपको लिस्ट प्रोवाइड करवाई गई थी टेलीग्राम पे तो होप आपने देखा होगा। तो इसका आंसर आपको देना है इन चारों ऑप्शन में से कि SS मलिका अर्जुन राव को किस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और साथ ही में आपको बताना है कि SS मलिका अर्जुन राव इससे पहले किस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अगला टेस्ट है देश की पहली डायल FIR योजना किस राज्य में शुरू होगी तो उस राज्य का नाम बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और हम आपसे मिलते हैं 23 सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।